जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट अप्रैल 2022। वृषभ लग्न के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में दो नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, क्योंकि भविष्यकथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका वृषभ लगन है अथवा नहीं। इसके लिए अपनी जन्म कुंडली में लगन कुंडली को देखिए और लगन में यहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वृषभ लगन की, जो कि एक स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं स्थिरता के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण इन लगन के जातकों का अथवा जातिकाओं में सहन शक्ति, दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। वृषभ की भांति ये बहुत स्लो तरीके से धीरे धीरे अपने काम में बड़े ही निष्ठा भाव के साथ लगे रहते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। खाने पीने के, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत सेकेंड हाउस में आती है लगन, तो यहाँ पर कह सकते हैं खाने पीने के, अपने परिवार के प्रति, मतलब खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, परिवार के प्रति समर्पण भाव होता है, तो इस तरीके का भाव इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाया जाता है। शुक्र का ये लगन रहता है तो इसलिए लग्जरियस लाइफ की इच्छा, भौतिक सुख के प्रति आकर्षण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र 27 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि के अंतर्गत, मतलब पूरे माह कहीं ना कहीं कुंभ राशि के अंतर्गत, ये दशम के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। और ये स्थिति यहाँ पर बताती है कि कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत आपका पूरा ध्यान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रहने वाला है। वहाँ पर आपका नेम एंड फेम, क्योंकि दशम भाव में जाकर लग्नेश शुक्र यहाँ पर, क्योंकि मंगल का भी साथ आपको मिलेगा, मतलब ये वृश्चिक राशि के स्वामी और यहाँ पर मेष राशि के स्वामी, मतलब आपके सप्तमेश और आपके द्वादशी मंगल दशम में आएंगे, मतलब एक परिवर्तन, एक बदलाव भी आपको अपने काम के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वादशी का भी संबंध आ रहा है, साथ ही साथ आपके पार्टनर का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़े से वहाँ पे लॉसेज या खर्चे ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं आपके काम के अंतर्गत। हो सकता है आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे आपका खर्चा या थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उससे घबराइएगा मत, आगे चलकर आपको फायदा ही रहेगा। आपका हो सकता है कि आप अपने काम में कुछ फायदा उठाने के लिए कुछ दुनिया पर, लोगों पर या अपने काम के अंदर कुछ खर्चा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी यहां पर हम कह सकते हैं, लेकिन पार्टनर का एक विशेष तौर पर आपको साथ मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का भी साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे, और खास तौर पर अगर पत्नी है तो उसका विशेष तौर पर साथ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ देखिए लग्नेश शुक्र दशम में बैठकर आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। ये स्थिति इस माह के अंतर्गत, एक खास बात यह है कि फोर्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटी काफी दिखाई दे रही है, तो यहां पर व्हीकल, आप हो सकता है कि कोई अच्छे वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो जाए, ये स्थिति भी यहां पर पता लग रही है, तो यहां पर यह वाली संभावनाएं भी दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए सूर्य की स्थिति, सूर्य 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, अर्थात एकादश भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और यहां पर एक बात यह भी है कि सूर्य चतुर्देश बनकर, चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर अपने से अष्टम, अर्थात चतुर्थ भाव से ये भाव अष्टम भाव है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। एक बात तो आप यहां पर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, चतुर्देश लाभ भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, अर्थात आपकी प्रॉपर्टी आपके लाभ की ओर जा रही है, लेकिन उस पर शनि की दृष्टि है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो पूर्णतः लाभ की ओर नहीं जा रही है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है आपके चाचा वगैरह के पास चली जाए, आपके बड़े भाई बहन के पास चली जाए, आपके मित्रों के पास चली जाए, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और या फिर आप उसको डोनेट करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, अर्थात दान वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि चतुर्देश का अपने से अष्टम जाकर ये यहाँ पर हो रहा है परिवर्तन, और साथ ही शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, मतलब जो गोचर हो रहा है वो अपने से अष्टम जाकर हो रहा है, उसमें शनि की भी दृष्टि, शनि की दृष्टि ना होती तो वो एक तरीके से लाभ की ओर जाता ही, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अच्छे फायदे, एक अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकते थे, लेकिन शनि के आस्पेक्ट, और वैसे भी शनि के आस्पेक्ट 29 अप्रैल तक शनि यहाँ पर मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, और ये स्थिति यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए।
इसी के साथ आपको अपनी हैप्पीनेस, क्योंकि चतुर्थ भाव खुशियों का भी है और उसकी आपकी आपको अपनी हैप्पीनेस जो खुशियाँ दिखाई देगी 14 अप्रैल 2022 तक अपने दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, तो ये कह सकते हैं, और वहाँ पे खुशियाँ भी आपको दिखाई दे सकती है, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। हो सकता है आप नेटवर्क बनाने में अपने आप को मतलब प्रसन्न महसूस करें, ऐसा भी यहाँ पर आपके साथ हो सकता है। इसी के साथ चतुर्थेश सूर्य मेष राशि अर्थात उच्च के होकर द्वादश भाव से संबंध बना रहे हैं और यहाँ से ये अपने से नवम रहेंगे, तो ये बात है कि आपको फौरन ये समय, एक बात और है कि फौरन के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर आपको विदेश जाना है, जन्म स्थान को छोड़ना है, तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा और वहाँ पर आपको खुशी भी महसूस होगी, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 जब सूर्य मेष राशि में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे लेकिन राहु भी वहाँ पर रहेंगे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके साथ चीटिंग भी हो सकते हैं। वैसे भी राहु 12वें के अंदर घर के अंतर्गत और ये आ जाएंगे राहु 12वें में 12 अप्रैल 2022 से। खास तौर पे कोई भी निर्णय ले, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मतलब यहाँ पर धोखा होने की, चीटिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कानूनी कार्यवाही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ये स्थितियाँ परेशान आपको कर सकती है। चतुर्थ भाव जब तक सूर्य वहाँ पर रहेंगे तो चतुर्थेश से संबंधित हो सकता है माता की, क्योंकि यहाँ पर 14 अप्रैल 2022 के बाद चतुर्थेश 12वें में जा रहे हैं, राहु के साथ रहेंगे, माता की सेहत में खराबी हो सकती है, माता के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी आ सकती है, तो माता को लेकर चिंता हो सकती है, ये स्थिति हो सकती है। व्हीकल चलाते वक्त भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और हो सकता है जहाँ पर आपने व्हीकल रख रखा हो तो वहाँ पर भी देख रख रखाव का भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि उस व्हीकल पर भी कुछ मतलब हो सकता है उसमें जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर चूहे घुस जाते हैं, उसमें तार वगैरह काट जाते हैं या कोई और परेशानी हो सकती है, तो जहाँ पर आपने रख भी रखा है उसका भी आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ अपने मान सम्मान की भी आपको रक्षा यहाँ पर करनी होगी 14 अप्रैल 2022 के बाद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मंगल की। मंगल 7 अप्रैल 2022 तक तो मकर राशि के अंतर्गत ही रहेंगे और इसी के साथ यहाँ पे 7 अप्रैल के बाद 17 मई तक कुंभ, अर्थात 7 अप्रैल के पूरे माह के अंतर्गत कुंभ राशि के अंतर्गत ही मंगल गोचर करेंगे। इससे पहले मकर राशि के अंतर्गत सप्तमेश बनकर मंगल भाग्य भाव के अंतर्गत रहेंगे, तो जीवन साथी वगैरह का काफ़ी अच्छा साथ आपको मतलब जीवन साथी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे कार्य अगर आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ करें तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा लक फैक्टर काम किया है, ये स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि भाग्येश के साथ ही बैठे हैं। ये बात है, थोड़ा सा तनाव आएगा क्योंकि मंगल शनि है, थोड़ा सा तनाव वहां पर रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं उस तनाव से भी आपको वहां पर फायदा ही होगा, ऐसी स्थिति यहां पर कही जा सकती है। इसके बाद पूरे माह के अंतर्गत मंगल दशम में एक अथॉरिटी, एक पावर, एक शक्ति आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देगी और वहां पर आपका मेहनत, आपकी हार्डवर्क थोड़ा बढ़ेगा, ये भी यहां पर स्थिति कह सकते हैं, ये स्थिति पता लगती है। मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर पड़ेगी, लगन पर पड़ने के फलस्वरूप आपको आप में ऊर्जा शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी, ये यहां पर कह सकते हैं कि ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, थोड़ा सा गुस्सा आपको ज्यादा आने वाला है, ये भी कह सकते हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना ही पड़ेगा और धैर्य तो आपके अंदर वैसे काफी अधिक है, वृषभ भाती यहां पर बहुत धैर्य है आपके अंदर है, लेकिन आपकी ऊर्जा शक्ति, आपके कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ज्यादा वर्क हार्ड आप कर सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी और इसके बाद यहां पे ये भी कह सकते हैं कि गुरु 13 अप्रैल से मीन राशि में आकर गुरु की भी पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, स्थितियां अच्छी हैं और शनि की भी पूर्णिमा दृष्टि पराक्रम भाव पर है, विशेष तौर पर अच्छा पराक्रम आप अच्छी मेहनत आप करके अपना लाभ ले सकते हैं, स्थिति कही जा सकती है। मंगल की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहकर घर के अंतर्गत थोड़ा कलह का वातावरण रह सकता है, घर मतलब घर से संबंधित तो थोड़ी सी परेशानी मतलब कलह थोड़ा हो सकता है, गुस्सा वहाँ पे मतलब ये कलेश को थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि संतान के साथ संबंधों में परेशानियाँ बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस माह के अंतर्गत एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम बुध की बात करें तो बुध का गोचर भी बुध मीन राशि में 8 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि के अंतर्गत 12वें घर में चले जाएंगे, राहु के साथ रहेंगे। इस माह के अंतर्गत ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट से रिलेटेड अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, शेयर मार्केट का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। संतान को लेकर खर्चा हो सकता है, संतान का स्वामी बुध 12वें घर के अंतर्गत जाएगा 8 अप्रैल से और राहु के साथ रहेगा और आपका बुध क्योंकि सेकंड हाउस का भी लोड बनकर 12वें में जा रहा है, इस माह धन संचय नहीं हो पाएगा, धन कह सकते हैं संचय होने में कमी रहेगी, खर्चा अधिक होने वाला है और ये खर्चा संतान के ऊपर भी हो सकता है, शिक्षा के ऊपर हो सकता है, प्रेम संबंधों पर हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बुध राहु के साथ 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके प्रेम संबंधों में प्रेमी या प्रेमिका आपको चीटिंग करे, धोखा दे, ऐसा आपको लग सकता है क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। वैसे 12वें में जब राहु आएगा, अगर कुंडली के अंदर
अत्यंत दशा अंत दशा ऐसी चलेगी तो ये ब्रेकअप वगैरह करा सकता है, ऐसी स्थिति बना सकता है आपके साथ। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके संतान का संबंध फॉरन से बन जाए, विदेश से बन जाए, आपके संतान पर खर्चा हो जाए ये स्थिति, या संतान बाहरी घर से संबंध ना रही है आपका सेकेंड हाउस, मतलब खर्चा अच्छा खासा दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। और डोनेशन वगैरह भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप दान पुण्य के कार्य में आप खर्चा करें ऐसी स्थिति में यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही साथ वाणी का अधिक प्रयोग इस माह के अंतर्गत होता दिख रहा है, हो सकता है बोलने का काम बहुत अधिक रहे आपका, अगर आप किसी कम्युनिकेशन वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपका बहुत अधिक कार्य आपका इस इन सब चीज़ों से रिलेटेड होने वाला है, बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो शुक्र की हम बता ही चुके हैं, शुक्र कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे और यहाँ पर इसका संबंध दशम भाव से है, तो कार्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत ये अच्छा संकेत रहेगा, वहाँ पर नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये स्थिति दिखती है। इसी के साथ गुरु जो कि अष्टमेश भी हैं और लाभेश भी हैं, 13 अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे। ये गोचर लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव के अंतर्गत है, तो ये बात तो तय है कि आपके आय में वृद्धि कराएगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी लेकर आएगा क्योंकि अष्टमेश बनकर आया है और यहाँ पर ये कुछ परेशानियां जरूर लेकर आएगा। हो सकता है कि लाभ तो दे, आय तो बढ़ जाए, लेकिन आय के साथ आपका वर्कलोड आपका बहुत अधिक बढ़ जाए, जिसके कारण वो आय भी आपको थोड़ी परेशानी बननी शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति कही जा सकती है। इसी के साथ गुरु आपका यहाँ पर आकर नेटवर्क सर्कल अच्छा बढ़ा सकते हैं, बड़े भाई बहन मित्र चाचा इनसे लाभ भी दिला सकते हैं 13 अप्रैल 2022 का, जब गुरु का गोचर मीन राशि के अंतर्गत हो रहा है। इसी के साथ गुरु की अमृत बरसाने वाली दृष्टियां, पांचवी दृष्टि प्राक्रम भाव थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगी, प्राक्रम में विशेष रूप से वृद्धि कराएगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको लाभ दिलाएगी, सोशल मीडिया न्यूज इन सबसे जुड़कर इंटरनेट वगैरह के माध्यम से काफी अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। आस पड़ोस के साथ अगर संबंध खराब चल रहे थे वो संबंधों में सुधार आता हुआ नजर आएगा, छोटे भाई बहनों से लाभ विशेष तौर पर लाभ आपको प्राप्त होगा और यात्राएं में छोटी छोटी यात्राएं और बड़ी यात्रा में वैसे भी राहु विदेश इस माह के अंतर्गत भी, और मतलब ये जो समय चल रहा है इस माह के अंतर्गत भी और राहु बारहवीं में जो चल रहा है, ये सारे संबंध ये बताते हैं कि अगर आप फॉरन से रिलेटेड अगर सोच रहे हैं तो अच्छा समय है। चतुर्देश बारहवें में जाएगा, राहु बारहवें के अंतर्गत है और बारहवें का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, अगर दशांतर दशा ऐसी मिल रही है, कुंडली के अंतर्गत योग है, तो आप फॉरन जा सकते हैं और जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसी के साथ गुरु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर है, अभी के लिए खराब बताया है शेयर मार्केट के लिए समय इस माह के अंतर्गत, और क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी नहीं चलेगी और लॉसेस वगैरह होने की संभावनाएं ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ये स्थिति कही जाएगी, या संतान के लिए भी जो खर्चा बताया अभी के लिए बताया, अदरवाइज या संतान के साथ जो मंगल की आठवीं दृष्टि भी पड़ी, बुध भी बारहवीं में गया, संतान के साथ संबंधों में परेशानी आएगी, लेकिन आगे चलकर आगे आने वाले समय में जगह गोचर बदलेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि एक साल तक गुरु मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे, गुरु की सातवीं दृष्टि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो रिलेशनशिप में सुधार ही रहेगा, फायदा रहेगा आपके प्रेम संबंधों में भी, ये आगे की बात है, ध्यान रखिएगा, पूरा अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पे संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंधों में सुख मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, सर्वथा प्रकार से जो यहाँ पे पंचम से संबंधित आपको लाभ, मंत्र साधना सिद्धि में भी विशेष तौर पे लाभ का ये संकेत है इस माह, मतलब इस साल के अंतर्गत यहाँ पर कहेंगे। अभी इस माह में थोड़ी सी स्थितियाँ अच्छी नहीं है क्योंकि बुध का बारहवें घर में राहु के साथ बैठना, ये संबंध अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, इस माह के लिए, अदरवाइज गुरु की दृष्टियाँ पड़ेगी तो ये आपको संतान सुख प्राप्त अवश्य होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति मतलब निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है कि वे प्लानिंग अब से करनी शुरू करें, तो उनके आगे चलकर क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, संतान सुख संतान प्राप्ति अवश्य होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो ज्ञान के मार्ग में भी परेशानी आ रही है, ये बात तो तय है कि 13 अप्रैल 2022 के बाद आपका ज्ञान नॉलेज का लेवल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आप अच्छा खासा ज्ञान अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। प्रेम संबंधों में भी आपको आगे थोड़ा सा बुध का टाइमिंग आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर से सुधार आ जाएगा। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, आपके व्यापारिक तौर पे भी मतलब व्यापार में कह सकते हैं भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु की अमृत बरसाने वाली दृष्टि आपके व्यापार को बहुत अधिक बढ़ा देगी, आपके लाभ को, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी कई सारे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। और साथ ही विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनका विवाह भी हो जाएगा, भाग्य दृष्टि नवम दृष्टि आपके गुरु की यहाँ पर सप्तम भाव
आप पर रहेगी, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। पार्टनरशिप जो हो सकता है किसी किसी व्यक्ति की पार्टनरशिप ज़्यादा टूट रही हो, परेशानी कर रही हो, वहाँ पर पार्टनरशिप में भी मतलब सुधार आएगा, पार्टनर अच्छा आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ शनि भी अभी तो मकर राशि में भाग्य भाव में हैं, उसके बाद शनि कुंभ में आ जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लग रहा था कि भाग्य भाव में आए हुए शनि देव भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वैसे भाग्य भाव में आए हुए शनि मेहनत, तो देखो शनि का एक स्वभाव है वो मेहनत जरूर कराते हैं, मेहनत के साथ भाग्य का साथ देते हैं, अर्थात अच्छी खासी मेहनत कराई फिर भाग्य को दिखाएंगे भी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपके धर्म को लेकर काफ़ी अधिक कर्म बढ़ गए थे, वो भी यहाँ पर कह सकते हैं। आप धार्मिक कार्य बहुत अधिक कर रहे थे, धार्मिक संस्थाओं में काफ़ी अधिक सहयोग दे रहे थे, मंदिर निर्माण का कार्य हो उनमें भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ भाग्येश जब बनकर कर्म भाव के अंतर्गत शनि वो भी कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, मतलब आने वाला समय 29 अप्रैल से जब शनि का कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर होगा तब आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भाग्य का साथ मिलेगा, अर्थात अब ये रहेगा आपका अच्छा खासा, आपको मतलब आगे बढ़ने में आपको लक फैक्टर आपका कार्य करेगा ही करेगा, मतलब जो काम आप करोगे उनका अप्रिशिएशन आपका अप्रिशिएट किया जाएगा, मतलब कुल मिला के वो चीज़ें आपको लाभ देने वाली अच्छा देगी। और वैसे भी शनि कुंभ में आकर शश योग बनाएंगे, आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले रहेंगे, स्थितियाँ अच्छी रहेंगी ये कहा जा सकता है। इसी के साथ देखिए राहु के 12वें घर में ये अभी रिस्की, मतलब कोई भी रिस्क ले, किसी भी तरीके का रिस्क ले, बहुत सोच समझ कर लें आप, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु 12th हाउस के अंतर्गत आपके बेडरूम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे जब तक गुरु की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर तो ये है कि हो सकता है बेडरूम से रिलेटेड मतलब आपके शैया सुख में समस्या आ जाए, क्योंकि 12वां घर शैया का है और शैया सुख का है, तो ये शैया सुख में थोड़ी परेशानी आ जाए ये कही जा सकती है। वहाँ पे थोड़ा ये होता है कि आपके मतलब एक से अधिक रिलेशनशिप पर वो भी दिखाई दे जाते हैं किसी अन्य के साथ, तो जिसके कारण मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो जाता है, लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि है आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये निर्भर करेगा आप जिनकी दशाएं राहु से संबंधित होगी, आप जिनकी गुरु की चल रही होगी उनको फायदा रहेगा, कि गुरु की नवीन दृष्टि है तो वहां पे फायदा रहेगा, और राहु वाले में थोड़ा सा वहां पे रिलेशनशिप किसी दूसरे के साथ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ठीक है, ये स्थिति यहां पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए शुभ दिन इस माह के अंतर्गत कौन से दिन काफी शुभ हैं आपके लिए, 1 से 2, 5 से 6, 14 से 16, 22 से 25, 25 से 27, 27 से 29, ये दिन शुभ है। जॉब इंटरव्यू होगा अगर आपका, तो इन दिनों में जॉब इंटरव्यू देकर आपको अगर इन्हीं में रिजल्ट आ जाता है तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, गेन का समय रहेगा, वो चीज़ें रहेगी। अशुभ दिन 2 से 4, 16 से 18, 20 से 22, 29 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ कहे जा सकते हैं, और इन दिनों के अंतर्गत किसी से झगड़ा वगैरह अगर होता है तो आपको परेशानी हो सकती है, मतलब झगड़े होने की संभावना है, रोग रिपोर्ट इनका संबंध आ सकता है, अचानक से परेशानी कष्ट आ जाना, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। इसी के साथ यात्रा के योग की बात करें, यात्रा के योग यात्राएँ हो सकती हैं आपकी, और अकस्मात यात्रा 16 से 18, 20 से 22, अकस्मात अचानक से यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा अगर आपको करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करनी है, 18 से 20 का दिन रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा अगर आपको करनी है तो 22 से 25 का दिन रहेगा। अस्पताल से रिलेटेड या व्यय खर्च ज़्यादा रहे तो वो 2 से 4 और 29 से 30 का दिन रहेगा, और कष्ट के साथ अगर यात्रा होती है 9 से 12 का दिन हो सकता है, ये स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती है। अभी उपाय के तौर पे भी बताएंगे, इससे पहले अमावस्या बता दें, 1 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2022 ये अमावस्या टाइम है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगे, 11 अप्रैल तक रहेंगे। उपाय के तौर पे आपको क्या उपाय करने चाहिए, देखिए जब तक राहु 12वें घर के अंतर्गत है इसको अच्छा नहीं मानते, और यहाँ पर देखिए अमावस्या को नारियल का जल प्रवाह करें आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसी ना किसी तरीके के शत्रुता बढ़े, लिटिगेशन मतलब कानूनी कार्यवाही इन सब का संबंध आपके जीवन में आ जाए, आपके बेडरूम से मतलब आपके शैया सुख में समस्या आ जाए, वहाँ पर परेशानी हो जाए, नींद लेने में समस्या आ जाए आपको, ये भी बहुत स्थिति रहती है, तो उसमें इन सब समस्या या हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध आ जाए, अस्पताल का भी संबंध ले आता है, और अस्पताल संबंध भी ये रहता है कि व्यक्ति मतलब कई कई दिन अस्पताल में ऐसी स्थिति बन सकती है, तो वो निर्भर करेगा ही, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, निर्भर करेगा आपके बर्थ चार्ट में क्या दशा अंतर्दशा और क्या ग्रह स्थिति है आपके बर्थ चार्ट के अंतर्गत, उस पर अवश्य विचार करिएगा। तो अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करते रहिएगा 1.5 साल के अंतर्गत, ये करते रहिएगा हर अमावस्या को, अमावस्या की टाइमिंग हमारी इसमें लिखी रहती है कि कब की अमावस्या रहती है ये है। अब इसी के साथ ओम बराम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, बुध का बीज मंत्र है, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है इस माह के अंतर्गत खास तौर पर, क्योंकि देखिए बुध आपके पंचमेश है, ज्ञान भाव के स्वामी हैं, और बुध अपने आप में ही बुद्धि है, उसका राहु के साथ संबंध, उसका गलत दिशा में बुद्धि का जाना
बनाना और या फिर आपके धन संचय किया स्वामी है, उस धन संचय को आप व्यय भाव में लेकर जा रहे हैं, राहु बैठे हुए हैं, अचानक से काफ़ी सारा धन आपका वेस्ट हो जाना, खर्च हो जाना, किसी ने चीटिंग के साथ उसने आपका धन कब्जा लिया। ऐसा होता है ना कि हमने कहीं धन लगाया अपना पैसा, पता लगा हमारे साथ चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, वो धन पैसा किसी ने कब्जा लिया हमारा। ऐसी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, कितनी बार व्यापार में भी लोग पैसे लेकर देते नहीं हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इस मंत्र का जाप करेगा और निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा, ठीक है। हनुमान जी को बूंदी चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको इस माह के अंतर्गत करते रहना है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो उपाय बताएं इस उपाय को करिए और इस माह को अपने लिए शुभ बनाकर अपने आप जीवन को आगे बढ़ाइए, उन्नति प्राप्त कीजिए। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।